रुक, इधर देख, जवाब दे। ए, मेरा पीछा छोड़ दे। अगर किसी ढंग के आदमी से शादी कर लेती तो जिंदगी भर खुश रहती, तेरी वजह से जिंदगी जहन्नुम बन गई है। ए, तुझसे क्या मतलब? जवाब दे। ए, दूर रह मुझसे। बोल ना। ये मर्द होने वाला रॉब, देख मुझ पर मत झाड़ना, समझा? नाटक करता है। ए, तुझे बोला ना मुझ पर हाथ मत उठा, देख मेरा भी हाथ उठ जाएगा। क्यों बे, औरत पे हाथ उठाता है? मेरी जोरू है वो। जोरू है तो क्या, कुछ भी करेगा। ए, तू बोल ना। मेरा पति है साहब। पति है तो क्या हुआ? अपने झगड़े घर में रखो वरना तुझको अंदर कर दूंगा। ए, इधर सुन, कहाँ जा रही है? ए, भाई बोलिए। कहाँ है तू? उसे मारना मत, जाने देना। भाई चला डाला। अब वहां से फुट ले। जी ए, मेरे हाथ में होता तो तुम्हें इतना कहने की जरूरत पड़ती क्या? सर एक मिनट। जाओ, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पहले पूछना चाहिए था ना मुझसे, उसे जलाने के लिए ब्रिज से अच्छी जगह नहीं मिली क्या तुम लोगों को? वो बात सही है, लेकिन उसकी लाश को वहीं क्यों छोड़ा है? ब्रिज के दूसरी ओर छोड़ना चाहिए था ना, सीफोर स्टेशन। सेतुपति, अरे कोई फायदा नहीं है, एक नंबर का साइको है वो। शेर से लड़ लो, उससे नहीं। अब तो एसीपी बनने वाला है ना, कुछ नहीं हो सकता भाई। हाँ, उसे धमकाएंगे, अपनी मौत बुलाना है। टाइम तो चाहिए ना प्लीज। थक गए? हेलो सर, मैं अभी हॉस्पिटल में। मार इसे। अच्छा, छोड़ना मत, मार इसे, छोड़ना मत बेटा। हाँ बोलो। सर हॉस्पिटल में वो नहीं, बस और मत मारो सर। मत मारो सर, मत मारो अब और। सर वो हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम। एक मिनट रुको। हाँ बोलो। अरे बोलता रहो ना। सर हॉस्पिटल में आया था सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए, यही कहना था सर, बस और कुछ नहीं। अभी फोन रखता हूँ सर, फिर ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आ जा तू मैदान में। ये जाने मत देना। अरे कहाँ जा रही हो? अपने पति को बचाओ ना, ये मार डालेंगे। बचाओ मुझे। अरे सुनो तो, मुझे बचाओ, मुझे मार डालेंगे। अरे सुनो, आओ ना इधर, आ जाओ। क्या कर रहे हो? कौन है?
चल पीछे चल 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 पीछे चल पीछे कहाँ ना पीछे हटने के लिए चल डॉक्टर से मिलने के लिए हम आए उसे बुला चल जाके अपने डॉक्टर को बोल हम लोगों को उससे कुछ बात करनी है चल चलिए उसको तुम बाहर बुलाओ उसके बाद हम उससे बात करेंगे लेकिन उसे जनरल वार्ड में क्यों रखा बोलो बताओ जानता है मैं कौन हूँ एक्स कॉर्पोरेटर की बीवी हूँ जा डॉक्टर को यहाँ पे बुला इंस्पेक्टर साहब आए हुए थोड़ी देर चुप रहो तुम लोग इंस्पेक्टर का रोब झड़ रहा है उस पर चुप रहो जा बुला के ले गया उसको मैंने कहा उसको उसके बॉडी पे 17 घाव मिले चाकू से वार के बाद उसे जला दिया गया पेट्रोल या किसी और चीज से जलाते समय जिंदा था बाकी डिटेल्स पोस्टमार्टम के बाद मिलेगी शाम तक या कल तक आपको मिल जाएगी सर रिपोर्ट्स तो मैं कल सुबह मंगवा लूंगा लेकिन अगर अभी आप मुझे केस की डिटेल्स दे देते तो मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता सर कल नाइट ड्यूटी पर था बहुत थका हुआ हूँ सर सर मरने वाला एक पुलिस ऑफिसर था थोड़ा कोऑपरेट कीजिए प्लीज मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है कल रात से एक मिनट आराम नहीं किया है मैंने वैसे भी मेरी ड्यूटी अभी खत्म हो चुकी है कल सुबह से पहले मैं रिपोर्ट आपको नहीं दे पाऊंगा कौन शोर मचा रहा है जाकर देखो जी अभी जाता हूँ कौन है एक घंटे बाद भी सो सकते हैं रिपोर्ट सभी चाहिए जितने भी वार हैं वो सभी धारदार हथियार से किए गए हैं अरे मेरी बात सुनो Hey, करो इनकी पिटाई नेतागिरी करता है सॉरी डॉक्टर अब बताइए सर इस जगह पे ही उसे मारा गया कई एविडेंस है जैसे शराब की बोतल आधी जली सिगरेट सर पानी नहीं है एविडेंस कहाँ है कार में है सर कार कहाँ है वहां खड़ी है सर लेके आता हूँ ना रहने दो कार में चल के देख लेंगे यस सर सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसे 3 तरफ से अटैक किया गया एविडेंस के हिसाब से भी ऐसा ही है सर सच में यस सर और वो बॉटल फेंकने वाला टोटल में 4 लोग थे बॉटल लाने वाला सॉरी सर टोटल 5 लोग थे तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन से और क्या पता चला अभी तक पूरा नहीं हुआ सर कुछ पता चला तो बताओगे बताऊंगा ना सर चलो चलो पीछे रहो सब लोग विटनेस कहाँ है सर यही है hey, जा हाँ। सर से बात कर हाँ, सर चल बता तुम यहाँ पे थे जी सर यही पास में रहता हूँ सुबह काम से लौट रहा था यहाँ कुछ जलता हुआ देखा पास गया तो देखा लाश है तुरंत पुलिस को फोन किया बस इतना ही देखा और कुछ नहीं पता तुम जाओ चल चल ओके सर आइए पीछे करो किसी को उसकी बाइक कहाँ थी सर वहाँ रखी थी सर खड़ी हुई थी या फिर गिरी हुई थी साइड स्टैंड पे खड़ी हुई थी सर यहाँ गाड़ी रोकने की कोई वजह नहीं बनती मुरुगानंदम सर तुम एक काम करो बताइए सर सबसे पहले कड़क अदरक वाली चाय पी लो ओके सर चाय खत्म हो जाए ओके सर तो कल से लेकर आज तक गांव से आने वाले और गांव जाने वाले सभी लोगों से पूछताछ करो ओके सर जल्दी रिपोर्ट देना जाओ जल्दी एसआई सुब्राज की कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी हत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है पर पुलिस केस की छानबीन में लगी हुई है आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है पुलिस वाले की मौत से पूरे शहर में दहशत का माहौल छा गया है लोग डरे हुए हैं सर गांव के लोगों से बात की सबने उसकी तारीफ की है सर उसके चरित्र पर कोई दाग नहीं था उस रात उसकी ड्यूटी नहीं थी सर उसकी वाइफ ने बताया एसआई के अचानक लीव लेने से उसे पुलिस थाने जाना पड़ा रोने लगी इसलिए मैं और कुछ नहीं पूछ पाया 2 दिन के बाद बातचीत करके आपको बताता हूँ सर हाँ बोलो मुर्ती सर वो मैं मिला उस वॉचमैन से और बात भी की उसने एक हस्बैंड वाइफ को वहाँ से गुजरते हुए देखा था उसे पहचान नहीं पाया शायद पास ही किसी गाँव से थे उनका पता लगाया तुमने जी सर
सर वो आ गए। बुलाओ उनको। जी सर। सुनो सर, सेंटर पे क्या रखो? आइए। नमस्ते सर। बोलो। मेरी बीवी गायब हो गई है सर, रोज मुझसे झगड़ा करती थी सर। उस दिन की बात है, मंगलसूत्र फेंक कर चली गई, पक्का उसका किसी के साथ चक्कर है सर। हे तुम्हारा नाम क्या बेटा? प्रेसिका। प्रेसिका, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6th स्टैंडर्ड। तुम्हारी मम्मी जल्दी लौट आएगी। हाँ बाहर बैठो, पापा भी आते हैं। कितने दिन से गायब है? 4 दिन हो गए सर। 4 दिन के बाद यहाँ आया? उसे ढूंढ रहा था, पक्का उसका किसी के साथ चक्कर है सर। हे बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाते, कंप्लेंट लिखवाओ अपने, मैं देखता हूँ। जाओ। ठीक है सर। मूर्ति। जी सर। रोल कॉल करवाओ। यस सर। सर वाइफ मिसिंग लिखूं या अवैध संबंध? वाइफ मिसिंग। जी सर। गो। रोल कॉल के लिए आ जाओ। सर सर। आज कोर्ट ड्यूटी पर कौन है? मानिक सर। हेलमला। यस सर। खाना खाया? खाया सर। सेंट्री बुक में एंट्री किए बिना वाकी टॉकी ले जाने के लिए मना किया था? भूल गया था सर। अभी कर। ड्रिंक एंड ड्राइव केस के लिए अनुपेंदी कौन गया था? मैं गया था सर। अकेले गए थे? नहीं सर। शर्म नहीं आती? केस ढूंढने शराब के ठेके पे जाता। मेरी चेन, अरे कोई हमारी मदद करो, मेरी सोने की चेन किसी ने खींच ली मैडम, चोरी हो गई। क्या हुआ आपको बताइए? बिना बात के पब्लिक को तंग मत करना। हटो। अरे आप रोना बंद कीजिए। किसने किया? मेरी चेन कोई ले गया। खूब निकल रहा है, पहले आप हॉस्पिटल जाइए। चेन मिल जाएगी तुम्हारी। चलिए आप मेरे साथ जाओ। इसे जाओ, आइए आइए आइए, चलिए। मूर्ति। सर। उस चेन चोरी करने वाले को ढूंढो। यस सर। मुझे एसपी ऑफिस जाना है। जी सर। मुझे से कहो सुब्रज की फाइल तैयार रखे। ठीक है सर। मूर्ति। सर। वो कहेगा राइटर छुट्टी पे है। राइटर छुट्टी पे है? ये बात उन्हें पता है, तुम्हें देने को कहा है। उन्होंने खुद कहा है? चाहो तो खुद पूछ लो। पता नहीं कहाँ रख दिया उसने। अरे रे रे रे, फाइल चल के नहीं आएगी, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। ये भी उन्होंने कहा है? माँ की कसम। और ताना मारने के लिए भी कहा है ना? मूर्ति बहुत जल्दी इंस्पेक्टर बनोगे। थैंक्स सर। जल्दी ढूंढ लो भाई, गाड़ी निकालो। मूर्ति। सर। फाइल रेडी है ना? बस उसे ही ढूंढ रहे हैं सर। मैं एसपी के साथ मीटिंग कर लेता हूँ, इत्मीनान से ढूंढते रहना। यस सर। ये लो, मिल गया। कुछ सुनने से पहले दे दो उन्हें। खड़े क्यों हो, जाओ ना जल्दी। हे जया। पापा पापा। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? पर्दे के पीछे क्या कर रही हो? क्या हुआ मु? मम्मी और भैया कहीं छुपे हुए हैं और मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। अच्छा, लुका छुपी खेल रहे हैं, तुम्हारी मदद करूँ। चल आ जाओ आ जाओ। आवाज मत करना, मैं मम्मी को ढूंढता हूँ, तुम वहां पर भैया को ढूंढो। ओके जाओ जाओ। के डर से यहाँ छिपी हो? मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर छुपी क्यों हो? चलो गेम ओवर। अभी तो गेम शुरू हुआ है, ढूंढना शुरू किया है।
बहुत हो गया ढूंढना पकड़ना। ऐ ऐसे आउट नहीं हो सकते, अभी गिरफ्तार भी तो करना है। करो जी, कभी भी यहाँ आ जाएंगे तब की तब देखेंगे। देखो बच्चे, जाने दो मुझे। ठीक है, सस्पेंड ही हो लेते हैं। चलो मम्मी को ढूंढते हैं। छोड़ मुझे, बस एक किस दे दो ना। हाय मम्मी, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, मम्मी आउट हो गया। हां हे, डोंट वरी, एक गेम और खेलेंगे, ठीक है ना। हां फिर तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। हां चलो एक गेम और खेलें। हां तुम दोनों तैयार हो तो ठीक है, चलो। आज के लिए इतना काफी है, कम से कम बच्चों के सामने तो तमीज से रहो तो। ए मेरे बच्चे, मॉम से बोला ना कि एक गेम और खेले। प्लीज प्लीज, बोलो ना, बोलो ना प्लीज। चेक करियो मम्मी, प्लीज एक लास्ट गेम ना। चलो मम्मी प्लीज प्लीज, एक गेम खेलो ना मेरी रसमलाई। सर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, बाइक चलाते समय गिर गया सर। जाके रेस्ट करो। थैंक यू सर। हेलो। हाय जानेमन। तुम बोलो। खाना खाया? आज सुबह मोबाइल क्यों नहीं उठाया? पता नहीं कहाँ रखा था, आवाज ही नहीं आई। खाना खा के अपने मम्मी पापा को विश कर देना। किस लिए? आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं तो भूल ही गई, अभी करती हूँ। बाय बाय डार्लिंग। ए हेलो हेलो हेलो। अब तुम भी फोन कर देना। देखता हूँ। पापा के लिए ना सही, कम से कम मम्मी के लिए कर देना। अभी केस में बिजी हूँ, फ्री होने के बाद बात करते हैं। बाय। थैंक्स फॉर कमिंग। ए छोटू, दो चाय। हलाय साहब। आपसे ऐसा ही सुब्रत से रिलेटेड कुछ पूछना था। एक्चुअली इस केस को लेकर कुछ डाउट्स हैं, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता था। इस केस में तीन बातें तो क्लियर हैं। पहली बात, ना तो काम पर और ना फैमिली में उसकी किसी से दुश्मनी थी। दूसरी बात, ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड मर्डर था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस दिन सुब्रत छुट्टी पर था, मतलब कनकवेल वहां से पास होने वाला था। कहीं गलती से कनकवेल की जगह सुब्रत को तो नहीं मार दिया? अगर आप मुझे डिटेल्स बता दें तो केस सॉल्व करने में मदद मिलेगी। एक मिनट सर, मेरे पुलिस स्टेशन में आकर फाइल में ताक झाक करने की परमिशन किसने दी आपको? क्या अथॉरिटी है आपकी? लिसन, आपसे कई बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। बहाने नहीं, आज मिलना था तो कॉल करके यहाँ बुलाया ना। उस दिन क्या मोबाइल नेटवर्क में नहीं था? You're right, I'm sorry sir. जाने दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, वो क्रिमिनल्स कोई पिज्जा शॉप के डिलीवरी बॉय नहीं थे जो गलत एड्रेस पर पिज्जा पहुंचा देंगे। ख्याली पुलाव पकाना छोड़ो, ठीक से इन्वेस्टिगेशन करना सीखो। तुम्हारे हिसाब से उस रात कोई भी पुलिस वर्दी में वहां से गुजरता तो वो उसे मार देते हैं? फालतू की बात। वो पहले आपके पुलिस स्टेशन में ऐसा ही था। अगर आपको भी वही समझा रहा हूँ मिस्टर, मेरे पुलिस स्टेशन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? क्रिमिनल से रिश्वत खाते हैं और दुनिया के सामने ईमानदार ऑफिसर होने का ढोंग करते हैं। थैंक यू। हेलो, रात को जब तू ड्यूटी पर हो और मैं तेरे घर में घुस जाऊं, मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा। सांप सूंघ गया क्या मेरी बात को सुनकर? तेरी हर सवाल का मैं जवाब दूं कोई जरूरी थोड़ी ही है। क्या है, हैं? बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। देखो तुम्हें याद दिला दूं सेतुपति, तुम अभी तक एसीपी बने नहीं हो। अगर ऐसे ही हरकतें करते रहे ना तो मजबूरन तुम्हारे प्रमोशन पर डिपार्टमेंट को विचार करना पड़ेगा। सर आपने उसका जवाब नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं सुननी है मुझे। तुम्हें किसने राइट्स दिए इंस्पेक्टर पर हाथ डालने के लिए? सर उसने मेरे साथ ठीक से कोऑपरेट नहीं किया। अच्छा, फिर तुम किसी की पिटाई कर दोगे? हां सर, जवाब देने देंगे या नहीं? बोलो सर। कनकवेल आज जिंदा है, सुब्रज ने अपनी जान दे दी इसलिए। ये रही रिपोर्ट। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है सर, मुझे यकीन है विक्रम इस केस में इन्वॉल्व है और आप मुझसे सफाई मांग रहे हैं सर। उसकी वजह से एक औरत विधवा हो गई, उसे कैसे समझाएंगे आप? कैसे मरा उसका पति? दाह संस्कार का खर्चा देकर समझाएंगे? बताना होगा पुलिस वाले को मारने का अंजाम क्या होता है। मैं कातिल को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा सर।
प्रमोशन मेरे फर्ज से बढ़कर नहीं है सर। हे, अब तक यही पड़ी है? तेरे को जाने को बोला था ना, पालकी मंगाओ क्या तेरे लिए? हैं? हे, तेरा यार गाड़ी लेके आ रहा है, तेरी शक्ल दिखनी नहीं चाहिए, वरना याद रखना टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। घूरती क्या है रे? कहाँ है वो? सर, ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर। यहाँ क्या कर रहे हो सर? आप जाइए सर, सब्जी खरीदने का नाटक कर रहा हूँ ताकि उन लोगों को पकड़ सकूँ सर। आप जाइए सर, जाइए। जाता हूँ सर, अरेस्ट कर लो तो इन्फॉर्म कर दोगे? जी सर, यस सर। साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, गलती हो गई, गलती हो गई साहब, दोबारा नहीं करेंगे साहब, तब माफ कर दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत के एक पुलिस वाले को मारो साहब, बहुत बड़ी भूल हो गई साहब, कभी नहीं होगा साहब, मेरे में से उसे जिंदा जलाया नहीं साहब, माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब। सर सर प्लीज मत मारना सर, साहब साहब मैं जिंदा रहना चाहता हूँ साहब, साहब 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 प्लीज माफ कर दो साहब। जिंदा रहने की गारंटी नहीं दे सकता सर, आपको सच बताऊंगा, उसका नाम बताने के बाद वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। तो तुम मुझसे कह जाते कि मैं तुझे सिक्योरिटी दूँ? हाँ साहब, सच उगल साहब,
वो वादियार है सर, मार्केट, ट्रेवल, ग्रेनाइट, रियल एस्टेट, टिम्बर, हर बिजनेस का किंग। सेंट्रल मार्केट में उसी का राज है सर, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इतना ही नहीं, उसकी इजाजत के बिना कोई पुलिस स्टेशन में नहीं आ सकता। वही वहाँ का कानून है और वही वहाँ का जज है। आइए बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुझे पता चला है, चल्ला दुराई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। ये बात सही है ना? जी मालिक। लेकिन मेरी एक बात सुन लो। ठीक है। अगर तुम्हारी कोई शिकायत मेरे कानों तक पहुंची ना, तो कुर्सी गई। मधिवानन, उसका भांजा और राइट हैंड भी। मैं कोर्ट जाऊंगा। अच्छा, तो कोर्ट जाएगा। मामा, भाइयों का झगड़ा है, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अदालत जाएगा तू? हैं? जी हाँ, जाऊंगा। जरा सबके सामने बोलना। बोल। नहीं। जाओ सब लोग। अरे मेरी ही। वादियार की एक ही बेटी है। जब उसने जिद की, अपनी हैसियत को नजरअंदाज करते हुए ऐसा ही कंगन वेली जैसे मामूली आदमी से अपनी इकलौती बेटी की शादी करवाई, पर उसे अपनी बेटी की गरीबी की जिंदगी रास नहीं आई। कनकवेल अपनी कम सैलरी के साथ खुश था, ससुर से आर्थिक मदद लेना उसे मंजूर नहीं था, आए दिन झगड़े होते। सुनो, अपने पापा के घर जा रही हूँ, मेरा वकील आएगा, चुपचाप डिवोर्स देना। आप बात कीजिए ना पिताजी। वाइफ डाइवोर्स पेपर लेकर आई। बेटी से अलग होने के डर से कनकवेल ने साइन करने से इनकार कर दिया। तब उसकी पत्नी ने उसे अपने पापा से बात करने के लिए कहा। देखा आपने, हर दिन वादियार आया, पर कनकवेल ने उसका चेहरा तक नहीं देखा। बताइए, मैं ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ? पापा। रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती गई। कनकवेल ने गुस्से में आके अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। वो घर लौट आई, दोबारा कभी पति के पास न जाने की कसम खाकर। वो हर हाल में अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। उसे जिंदगी में सुकून चाहिए था, चाहे उसके लिए उसके पति को मारना ही क्यों न पड़े। जब बेटी ने इतनी बड़ी बात कह दी, बिना परिणाम की परवाह किए वादियार ने कनकवेल को मारने की ठान ली। उसे मारने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। उसका एक एक्सीडेंट हुआ तो सुब्रज नाइट ड्यूटी पर आया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने उसे कनकवेल समझ लिया और मार दिया। लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, बहुत जल्दी ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ओके। यस सर। अच्छा सुनो, मम्मी का फोन आया था। पूजा की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, माँ बच्चों से मिलना चाहती हैं, अगर आप कहें तो। फोन बज रहा है। हाँ? देखो ना कौन है। ऑन करो ना। हेलो, सेतु जी बोल रहे हैं। नमस्कार सर, वाथियार के घर से माथीवान बोल रहा हूँ। काम की बात बोल। काम यह है कि मेरे मामा जी आपसे बात करना चाहते हैं। आप कोई टाइम बताओ, उस समय वो आपसे मिलेंगे। इम्पोर्टेंट मैटर है, इसलिए वो खुद ही आपसे मिलना चाहते हैं। क्या बोल दूँ उनसे? हेलो, फोन काट दिया। मम्मी का फोन आया था। डायरेक्ट बोलो, जलेबी की तरह घुमा फिरा मत। वो सबसे मिलना चाहती हैं, हमें बुलाया है। जाना है तो जाओ, किसने रोका है? अकेले जाना होता तो तुमसे पूछती क्या? तो मुझसे क्या चाहती हैं? पापा की उम्र हो रही है, उनसे सुलह करने में तुम्हारी नाक कटती है। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो बुढ़े हो चुके हैं, वो समझौता क्यों करेंगे। Hey! चटनी और मिलेगी क्या? बाप की फोटोकॉपी है। मेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा छोटा सा काम है। जिंदे का दाह संस्कार कर चुका हूँ, पहचानने में भूल हो गई, इसीलिए अब तक वो जिंदा है।
देखता हूँ कब तक सांस लेता है। उस दिन कौन मरा मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में सोचना तो मेरा ही फर्ज है। अब इसमें मैंने गलत क्या किया है भैया? हाँ अच्छी बात है, मैं अभी आया, कॉफी पीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ इंस्पेक्टर, अभी तक कॉफी नहीं पी तुमने? इच्छा नहीं थी, थैंक्स। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मुझे मरने वाले का तो नाम तक नहीं पता। हाँ अगर उसकी फैमिली को मदद चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। पापा। हाँ बेटी बोलना। मुन्नी को भेज दीजिए, खाना खाने का टाइम हो गया है। आ जाओ बेटी। क्या? इंस्पेक्टर के बारे में बताया था ना? हाँ यही है वो। नमस्ते। मेरी बातों को लोग इशारों से समझ जाते हैं, मैं ज्यादा बोलता नहीं। अब जिस शराफत से तुम कॉल करके मेरे घर पर आए हो, उसी शराफत के साथ ये केस छोड़ दो। तुम्हें जो कीमत चाहिए मैं दूंगा, प्यार से लो चाहे धुतकार से लो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। सर एक शब्द भी और बोले तो धुतकार का मतलब समझ जाओगे। शराफत से उठकर जीप में बैठ जाओ वरना कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाऊंगा। जान तो किससे बात कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? रुको रुको इंतजार करो। अरे धीरे बात करो, क्या कर रहे हो? मरवाओगे हम सबको यार। जाके बोलो ना, कब तक बैठे रहे? अरे मैंने कहा ना चुप रहने के लिए। देखो वो खुद तुम लोगों को बुलवा लेंगे, तुम लोग जाओ एकदम चुप चुप रहना, ठीक है? जाओ उधर बैठो। मामा 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 यहाँ किस लिए आए? कोई काम है क्या? मामा 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 रुकिए, मैं बात करता हूँ उसे। इसकी तो सर आ गए हैं। हाँ तो बताओ सुबह से मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे, बोलो क्या कंप्लेंट है? एक दूसरे को क्या देख रहे हो, मुझे बताओ क्या बात है? मूर्ति सर शोरूम के पुतले की तरह खड़े हैं, जोकर के जैसे। हे जाओ ना और मत हंसाओ, चल जाओ चल निकलो। मामा मामा आपकी हालत देखी नहीं जा रही है मामा, अभी कुछ करता हूँ मामा। ए, चल वकील को घर से उठाते हैं। हाँ मामा मामा ए मामा कहाँ है रे? ए कौन है तू, सब्जी वालों की तरह चिल्ला रहा है, चल बाहर निकल यहाँ से। मामा कहाँ है मेरे? चंदा मामा यहाँ कोई मामा नहीं है। तुम रिमांड पे लाए थे उनको? कौन सा रिमांड, हमने किसी को अरेस्ट नहीं किया, हमारे साथ गेम खेल रहा है ये। झूठ मत बोल, यही बैठे थे वो। ए बहुत हो गया तमाशा, चलो 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 तुम लोग जाओ, निकलो निकलो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जाओ 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 देख लेने जाओ।
चलो। याद रखेंगे हमें। सर गाड़ी निकल चुकी है, फ्रांसिस उनके साथ ही है। कब निकले? अभी सर। रास्ते में कहीं भी गाड़ी मत रोकना। ओके सर। गांव के अंदर से मत जाना। ठीक है सर। और वो जो भी खाना चाहे उसे खिला देना। श्योर सर। अभी कहां तक पहुंच गए? हाँ जो मन में आए करूंगा, तुझे क्या? ऐसी बात है, पापा को फोन दे। क्या हुआ? अम्मू है। हाँ बेटा। पापा मारन जो है ना वो आपकी तरह पुलिस ऑफिसर नहीं बनेगा, तो सलमान जैसा हीरो बनेगा। सच में? और हीरो बन के क्या करेगा? दबंग की तरह बदमाशों को मारेगा, पापा की तरह आपकी तरह डिशुम करके गुंडों की हड्डियां तोड़ेगा। ये हुई ना बात। अच्छा मम्मी क्या कर रही है? ए, बताना मत। यहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है? सच में? अच्छा ये तुम्हारे हाथ पे क्या है? उस तरफ। दूसरे हाथ पे इस तरफ। देखो इस तरफ। हाँ। आराम से घर मत जाना। नहीं तो देखभाल के लिए मुझे आना पड़ेगा। अच्छा सुनो, हे बात करनी या नहीं? हे क्या नौटंकी है? मारन अपनी मम्मी से कहो अपना मौन व्रत तोड़ दे। मम्मी पापा से बात करो ना प्लीज। मम्मी कितना हाँ, रिक्वेस्ट हाँ, कर लग रहे हैं। मम्मी बात करो ना। ए मारन खाना खा लिया? केयरफुल रहना और ज्यादा शरारत मत करना। तुम भी ओके? फोन रखती हूँ। बाय। सो रही है ना, रिंग से उठ जाएगी। हे क्या प्रॉब्लम है? अपनी मम्मी के घर जाना? ठीक है मैं ले जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है। ये ज्यादा नहीं हो रहा है? मैं कुछ नहीं कह रही। जो दिल में है वो सीधे कहो, मेरी तरफ देखो। हे एक सेकंड, जब पहले फोन किया तो तुम्हारा मुंह साफ था, अब ये मेकअप कहां से आ गया? पहले से था, ध्यान नहीं दिया होगा। हे पुलिस वाला हो ना, उस समय बिंदी नहीं थी। कहां ना थी? ए कहा ना नहीं थी। मान लो शायद तुमने ही ध्यान नहीं दिया होगा। मेरे फोन के बाद सच संवर कर बैठ गई। हाँ जरा चेहरे पे थोड़ी रोमानियत ले आओ। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो बोल दो, एकदम बिंदास होकर बोलो, शर्मा मत। हाँ बोलो ना। फूट जाएगी, चुप हो जाओ। हे खड़ी क्यों? बच्चे को उठाओ या बैग को उठाओ, मूर्ति बनी क्यों खड़ी हो? हे फिर से शुरू हो गई तुम? हाँ अरे फोन पे केस सॉल्व कर दिया था ना। ए मेरी तरफ देख के जवाब दो, मेरी आंखों में देखो। मेरी कमजोरी अच्छी तरह जानते हैं ये। बैग कौन लाएगा तुम्हारे पापा? लेके आ जाओ। उसे कोर्ट लेके गए? जी सर। कौन था उसके साथ? माने को से ले गया सर। बेल मिल जाएगी सर? वो तो मिल ही जाएगी, पर कम से कम से 2 दिन कस्टडी में तो रहना पड़ा, उम्र भर सुलगता रहेगा। क्या है? चेन स्नेचिंग करने वाले यही दोनों हैं सर। इनकी एक एक हड्डी तोड़ना और इनसे चेन लेकर वो उस औरत को दे देना। नहीं सर,
चेन इन दोनों के पास नहीं है, उन दोनों के पास है सर। हे और तेज भागा जल्दी, हे मुझे दे पूरा गिर पिएगा। अरे यार कैसे चलाता है, चल 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 जल्दी कर, चल चल चल। कौन से क्लास? 12th साइंस सर। ठीक से तहकीकात की? डर के मारे भी झूठ बोल सकते हैं? नहीं सर, कंफर्म है। पहले भी छोटे मोटे केस में पकड़े जा चुके हैं। चेन को बेच के नया आईफोन खरीदा है सर। हाँ। तो बताओ चेन किसको बेची? सर हम किसी चेन के बारे में नहीं जानते। हे हम कुछ नहीं करेंगे, केस उन दोनों के ऊपर बनाएंगे। बताओ क्या बोल रहा हूँ, एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती क्या? तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाएं? आजा बुला ले चल। ए, तमीज से बात कर। हाथ उठाया तो क्रुएल्टी अगेंस्ट जुवेनाइल का केस कर देंगे। मूर्ति क्या बात है? बात यही है, स्कूल के बच्चों को मारना इलीगल है। हाँ कानून जानता है मूर्ति, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट नहीं पढ़ा क्या? हाँ कुछ भी करता है। एक काम करें, बिना हाथ लगाए मार दें सर। दूसरा तरीका समझ गया okay, सर ना? समझ गया। ठीक है जाओ, देख अभी क्या करता हूँ, देखते जा। कुछ खाया? आप उनको भूख नहीं है। कुछ चाहिए तो बोलो, मंगवा लूंगा। बोला ना कुछ नहीं खाएंगे साहब। तो तुम दोनों ने चुप रहने का फैसला कर लिया है? ठीक है, एक आखिरी बार, दोनों में से एक 10 काउंट करने से पहले मुझे सच बताएगा, नहीं तो मूर्ति 1 2 3 4 इरादा बदला 5 6 ए ए ए पकड़ो उसे। सर बात फैल गई है सर, कहीं छुपना होगा सर। किस लिए छुपूं? पब्लिक हंगामा कर सकती है सर। सर 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 आप बात समझने की कोशिश कीजिए सर, प्लीज सर प्लीज। सर सर आइए सर, सर 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 आइए सर, अंदर अंदर सर 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 यहाँ सर। इस तरफ सर, यही रुकिएगा सर प्लीज सर, बाहर मत आइएगा सर, मैं संभालूंगा प्लीज। बाहर निकलो, 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 ब
सर। मुझे अपने बेटे को देखना है। हे भगवान, वहाँ मेरा बेटा मर रहा है, उसके साथ क्या क्या पता नहीं। हे भगवान, मेरा बेटा, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। दरिंदों ने उसे मार डाला, भगवान उसे जरूर श्राप देगा, ये अन्याय है। इस वारदात से शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। जिस पुलिस के कंधों पर नागरिकों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, उन्होंने ही एक 17 साल की लड़की को सजा के दौरान आप क्या कहना चाहती हैं? जोर से बोलिए। भगवान सजा देगा, एक मासूम बच्चे को गोली कैसे मार सकता है? सूत्रों से पता चला है, इस जुर्म को करने के बाद इंस्पेक्टर सेतुपति पुलिस स्टेशन से फरार हो गया है। इस संगीन जुर्म को लेकर MPK पार्टी के चीफ ने अपना बयान दिया है। बिना लड़के की उम्र का लिहाज किए उस जल्लाद इंस्पेक्टर ने टॉर्चर करने के बाद उस पर गोली चला दी। हमारी MPK पार्टी इस तरह की घटना को निंदनीय मानती है। उस पुलिस वाले को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंड नहीं, रस्टिकेट। हाँ, उसे रस्टिकेट करना चाहिए। निष्कासित भी कह सकते हैं। जोर का धमाका सुनाई दिया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फिर एक एम्बुलेंस आई, थोड़ी देर में बच्चे को लेके चली गई। एक खास बात बताऊं, वो पुलिस वाला बाहर नहीं आया, शायद पीछे के रास्ते से भाग गया। हम लोगों से डर के यहाँ पर लोग इंस्पेक्टर सेतुपति को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। भविष्य में लोगों के साथ ऐसे जुर्म ना हो, इसलिए ऐसे पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए। गन लॉक थी, इसका मतलब ना तो उसे ट्रिगर कर सकते हैं और ना ही उससे फायर कर सकते हैं। मान लिया भी जाए कि अगर वो अनलॉक थी तो भी बिना लीवर खींचे बुलेट चेंबर में नहीं आ सकती। मैंने लीवर नहीं खींचा था, किसी ने मेरे पीछे लीवर खींचा होगा। कौन हो सकता है? देखा, इसी ने उस मासूम बच्चे पर गोली चला दी। पता नहीं कि वो बच्चा अभी जिंदा है या मर गया। हाँ सर, उसी ने गोली चलाई, बच्चा वहीं पर गिर गया, उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गए। यही है वो। वो उनकी इंक्वायरी का तरीका है सर, पहले गन तानते हैं फिर सवाल दागते हैं। तुमने गोली चलाते देखा? नहीं सर। मनगढ़ंत बातें मत करो, जाओ। सर जितना पता था आपको सब बता दिया। इतने लोगों में से किसी ने नहीं देखा उसे। हमने कुछ नहीं किया सर, हमें डरा धमका कर कबूल करवाने की कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने हमें गन दिखाई। शूट करने की धमकी दी क्या? हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही किया। मैं स्टेशन के बाहर था, उस समय गाड़ी को धो रहा था, गन फायर की आवाज सुनकर अंदर भागा। गन उन्हीं के पास थी लेकिन उन्होंने उसे फायर नहीं किया। वो लड़का उठ के भागा, हम उसके पीछे गए। जब लौटे तो गोली चल चुकी थी। मतलब ट्रिगर उसे ने दबाया। अब ये मत कहना कि अपने आप दब गया। हाँ, सर आप इंक्वायरी को लेकर बेफिक्र रहिए, हमारे स्टाफ से ही पूछताछ की है, हम लोग सब संभाल लेंगे सर, हमारे हाथ में है सर। मूर्ति सर, गन का लीवर मैंने नहीं खींचा तो फिर बुलेट चैम्बर में कैसे पहुंची? मुझे याद है सर, मैंने खुद वो गन वहां रखी थी, उस समय वो लॉक थी, कल भी मैंने ही स्टोर रूम से निकाली तो फिर लीवर। मैंने अनलॉक नहीं की सर। चलिए हमारे साथ सर। ए, मुझे भी जैसा बर्ताव मत करो, अपना फोन दीजिए सर। सर सर क्या कर रहे हैं सर? सर उस लड़के की डेथ हो गई, ACP ने आपको समन किया है, फोन दीजिए।
सर सर रुकिए सर, सर गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, मीडिया ने यह खबर फैलाई है सर, लड़का सेफ है, इन्हें गलत जानकारी दी गई है, बिना सच जाने इन लोगों ने आपको बुला लिया, प्लीज सर आइए सर, प्लीज सर। रुकिए सर मैं ऑटो बुलाता हूँ। नहीं नहीं सर, ऑटो बुलाता हूँ ना, कहाँ ना चला जाऊंगा। सर सर दरवाजा बंद करना भूल गई थी, मम्मी आई हैं, आओ। मुंह खोलो। आइए दामाद जी। हाथ धो लो, खाना लगाती हूँ। बंद करना भूल गई थी। कहाँ चले गए? पता नहीं। ये क्या है? लैच किसने तोड़ा? पता नहीं सर। चाबियां तुम्हारे पास रहती हैं, लैच टूटे तो ही दरवाजा खुल सकता है। हाँ? मुझे नहीं पता। नहीं पता? हे सब बाहर जाओ, गेट आउट, जाओ जाओ जल्दी जाओ। उस दिन जो जहां था एग्जैक्टली वहीं जाओ। हे तुम वहां क्या खड़े हो, इधर आओ, जाओ उधर। जी सर। पीछे खड़ा रहे। आओ। आगे सर। पकड़ो उसे। फ्रांसिस सर। उस दिन तुम अंदर क्यों आए? किस दिन सर? जिस दिन दोनों लड़कों का इंट्रोगेशन कर रहा था और मैंने गोली मारी थी, उस दिन तुम दौड़ते हुए अंदर आए थे, बहुत पुरानी बात नहीं है। गन की आवाज सुनकर अंदर आया था सर। फ्रांसिस ऐसा झूठ बोलो जिस पर मैं यकीन कर सकूं। याद आ गया सर, उस दिन टायर पंचर हुआ था, वही बताने के लिए आया था। सच में सर टायर ही पंचर था। जान चुका हूं किसके कहने पे तुमने ये किया। सर सर मैंने ये वाथियार के लिए किया। एक दिन टीवी खरीदने गया था,
मेरी वाइफ को एक महंगी टीवी पसंद आ गई। उस टीवी को खरीदने का सामर्थ्य मुझ में नहीं था। सुनो, ये टीवी हम नहीं ले सकते, चलो। ये एक दिन जब घर आया उसी टीवी को दीवार पर टंगा पाया। और ये लाल बटन, ये कौन सा है? ये चाइल्ड लॉक बटन है। ये सब क्या चल रहा है? ये टीवी कहाँ से आया? अच्छा, ये पकड़ो, वाथियार के कुछ लोग इसे लेकर आए। ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है और इससे चैनल सेलेक्ट करके हम उसका नंबर डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, लेटर में लिखा था, हेलमेट पहने वाथियार का एक आदमी मुझे एक पार्सल देगा। उस पार्सल में 1,00,000 रुपए थे और उसके अलावा डमी मैगजीन और नकली बुलेट्स थी जिसे आपकी पिस्टल में मुझे फिक्स करना था। सर, उस समय मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। 1,00,000 रुपए देखकर मेरा दिमाग घूम गया था। हे पांडी, देख बाहर कौन चिल्ला रहा है। सब लोग गए सर? हाँ, कोई नहीं है। ठीक है, जाओ। सिफर स्टेशन रिपोर्टिंग सर, ओवर। थैंक्स। ओके सर, बंद सर, ओवर। मैं रूम में गया और पिस्टल चेक की। वो डमी मैगजीन मुझे सेट करना नहीं आता था। मैंने कई तरीके आजमाए पर कोई तरीका काम नहीं आया। तभी किसी के आने की आहट आई, मैंने गन वहीं छोड़ दी। सर, जो हुआ मैंने आपको सब सच बता दिया सर। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। लीवर तुमने खींचा था? ए, गन के ऊपर वाला हिस्सा आगे पीछे खींचा था क्या? बस एक दो बार आगे पीछे किया था, और कुछ नहीं पता। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम सर। बाइक का टायर पंचर करने को कहा ताकि आप जा ना सकें। मैं सच कह रहा हूँ सर। किसी ने तुम्हें कहा इसलिए तुमने बाइक का टायर पंचर कर दिया? हाँ सर। और उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं पता है सर। पुलिस के नाम पर कलंक हो, एक गन को लोड करना तक नहीं आता और खुद को पुलिस वाला कहते हो। लाखों होनहार नौजवान पुलिस में आना चाहते हैं और तुम पुलिस स्टेशन आकर खाना और रिश्वत खाने के अलावा कुछ नहीं करते। मूर्ति सर, कुछ कर बैठो, इससे पहले भगाओ इनको। चलो खड़े हो जाओ। अरे जल्दी करो, चलो भागो, निकलो, चल। सो, केस सॉल्व्ड। सर, इस सब के पीछे वाथियार का हाथ है, अब आगे क्या करें? वाथियार ये सब क्यों करेगा? सर, बात शीशे की तरफ साफ है। आपने उसे अरेस्ट किया और उसने अपने अपमान का बदला आपसे लिया। नो चांस। अभी आज के हालात में वाथियार तो छोड़ो, अगर कोई भी मुझ पर वार करेगा तो शक सीधा उसी पर जाएगा, ये बात वो जानता है। वाथियार को कैसे पता होगा कि मुरुगंधम की वाइफ टीवी खरीदने जाएगी? ये बात तो है, मुरुगंधम का कोई करीबी ही ये बात जानता होगा। थोड़ा रिवाइंड करो तो, थोड़ा और। हाँ दिखाओ। होल्ड इट, होल्ड इट, वो मुरुगंधम ही है। यस सर। आगे देखो, थोड़ा फॉरवर्ड करो। स्टॉप इट, रुको 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 रुको, ज़ूम इन करो। हे, ये कनकवेल जैसा दिख रहा है? वही है सर। मैंने उसे गन और डमी बुलेट्स लगाने को कहा, मैगजीन चेंज नहीं कर पाया, उसे अनलॉक कर दिया, इसी वजह से पकड़ा गया। मुझे ना चाहते हुए भी वाथियार का काम करना पड़ा। सेतुपति सर ने उन्हें अरेस्ट किया था, मैं जानता था उनके आदमी सर पर जरूर हमला करेंगे, इसलिए मौके का फायदा उठाने के लिए गन में डमी बुलेट्स रखवाई। अगर सेतुपति सर को कुछ हो जाता, डिपार्टमेंट वाथियार को छोड़ती नहीं, केस बहुत स्ट्रांग होता, या तो उसका एनकाउंटर कर देते या फिर नॉन बेलेबल केस में अंदर हो जाता। ओह,
तो सेतुपति की बलि देना चाहते थे जिससे ससुर का फेक एनकाउंटर कर सको, सही है ना? पुलिस के नाम पर कलंक हो तुम। सर मेरी पत्नी मेरे से मेरा बच्चा छीनना चाहती थी सर, मैंने थैंक यू सर। सर सर बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने सर। ये सर कनकवेल को मैंने भेज दिया है सर, मूर्ति को भी इन्फॉर्म कर दिया। आप कहें तो सुबह मूर्ति को कनकवेल को लाने के लिए कहूँ। यस सर। ओके सर मैं सब संभाल लूंगा। ओके सर थैंक यू। ओके सर सॉरी पापा। सॉरी पापा। नाचते रहो। इसके बयान से तेरी नौकरी बच गई, मैं ऐसा होने देता क्या? कैसा नालायक दामाद मिला है मुझे। अरे तेरा गवाह तो स्वाहा हो गया, अब जाके अपनी वर्दी भी स्वाहा कर दे। वर्दी उतरते ही मर्दानगी फुर हो जाती है, अब तुझे लगेगा मेरी ताकत का अंदाजा। अरे इसे तो मैं बहुत पहले मार कर गटर में फेंक देता, लेकिन तेरे सामने क्यों मारा पता है? समझदार को इशारा काफी है। तुझे सबक सिखाना था कि तू मुझे कमजोर मत समझ। अब तेरी लाइफ में क्या होगा वो सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है अब सीधे घर जा, छोड़ दो इसे। हे तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, घर के दरवाजे खुला तो नहीं छोड़ा है ना? चल भाग, एक नाक के ऊपर पैर रखा है तूने, डस के रहेगा वो। Bring the beat, man. क्या रो रहे हो? बताओ तो क्या हुआ? बताओ ना प्लीज। क्या हाल है इंस्पेक्टर? घर पहुंच गए क्या?
फैमिली सही सलामत है? अभी तो सब कुछ कुशल मंगल है ना? आज से तेरी जिंदगी के हर पल का हिसाब मैं लिखूंगा। अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है, आज अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी से रह ले। रहे थे, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या कर रही है? पति का अधूरा काम पूरा करने आई है, मेरे बेटे को मारने आई है। चल निकल यहाँ से। अरे जा जा यहाँ से, अपने ये जहरीले फल अपने साथ ले जा। आई बड़ी हमदर्दी दिखाने। अरे नरक में जाओगे तुम लोग, मेरी बद्दुआ लगेगी तुम लोगों को। चल जा यहाँ से, तेरा पति रोएगा, तेरे बच्चे भूख से मरेंगे। मेरे बच्चे को मारना चाहता था ना? दामाद जी ने देखो क्या किया। हे, कहाँ गई थी? मंदिर। भगवान हॉस्पिटल में है, मैंने कहा था जाने को, मेरी नौकरी बचाने की कोशिश कर रही थी। फोन पे मुझे किसी ने कहा मैंने तुम्हें भीख मांगने भेजा, इतना कमजोर लगता हूं। क्यों गई वहां, क्यों कर रही हो ये? मम्मी सुन लेंगी। हे, मैं बात कर रहा हूं ना। हे, ये अब क्या है? पेंट उतारो, जोकर लग रही हो। देखो अमू, मम्मी पेंट से खेल रही है। पापा को एक काम याद आ गया, मम्मी को पेंटिंग करना सिखाओ। यहाँ जाओ बेटा, आओ मम्मी के पास आओ। पता है क्या हुआ? हम खेल रहे थे और मम्मा गिर गई, चेहरे पर कलर लग गया। सच्ची मुच्ची? सच्ची मुच्ची। मेरी बात सुनो, अभी सामान बांधो और मेरे साथ चलो। ये नाटक खत्म होने के बाद लौट आना। जब मेरे रहते हुए इतना सब कुछ कर रहा है तो मेरे पीछे क्या करेगा? मैं नहीं आऊंगी। अगर मुझसे नाराज हुए हैं तो मनाने भी वही आएंगे। इसके लिए क्या घर छोड़ दूं? अगर आपको जाना है तो जा सकती है। मेरी बच्ची। Everything is ready, sir. On the way, 5 मिनट में पहुंचता हूं, सर। ओके ओके सर। जी जी। सर, कहीं स्केल से तो पंचर नहीं हुआ? सर, 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 प्लीज सर, मुझे मत मारिए सर, मेरे पास पैसा नहीं सर। सर, 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 क्यों मारे सर? सर, मैं मर जाऊंगा। किसने मांगे? किसने मांगे बोल? सर, सर, किसने मांगे पैसे तुझसे बोल? सर, सर, बकवास करता है, कौन से पैसे? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आजा 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 आजा। क्या बात है, बहुत अच्छा शूट किया है। कमजोरी मालूम कर चुका हूँ, पता था कि ये ऐसा ही करेगा। Hey, इंक्वायरी कमीशन को इसे भेज दो, फिर देखो तमाशा। अच्छा
जरा देखिए तो सर, ड्यूटी से सस्पेंडेड हैं तो ये हरकतें हैं। कौन विश्वास नहीं करेगा कि उस दिन इसी ने गोली चलाई होगी। क्या सफाई है तुम्हारी? हाँ, हम यहाँ तुम्हारे आए दिन आने वाले कंप्लेंट सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। कब तक तुम्हारी तरफ से सुपीरियर को सफाई देते रहेंगे? सर, आपकी वजह से अब तक लिहाज करता रहा, आज ही इंक्वायरी को क्लोज करता हूँ। सर, मैंने अभी तक गवाह पेश नहीं किया है। सर, कहाँ से गवाह पेश करोगे? विक्टिम पे सारा दोष डालकर खुद को सेफ कर लोगे ना? देखो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, प्लीज अब जाओ यहाँ से। आपके पास टाइम नहीं है। मेरी तरफ से गवाह देने वाले एसआई को जिंदा जला दिया गया और मुझसे कहा कि बिना वर्दी में मैं पावरलेस हूं। उसके सामने मैं एकदम बेबस था। मैं दूसरे गवाह को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, पर आपके पास टाइम नहीं है। एनीवे, थैंक्स मैडम। अपने लोगों को खड़ा करके कुछ भी बुलवा लोगे तुम? हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। मैडम, एक सेकंड, पहले इसे विटनेस लाने दो। ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। आज के दो दिन के बाद अपना विटनेस लेकर के आना। ओके सर, थैंक यू। बोलिए मैडम। जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। हाँ बताइए। इंक्वायरी में सेतुपति ने कहा कि वो गवाह के तौर पर एक कांस्टेबल को लेकर आएगा। अच्छा? थोड़ा सावधान रहना। फिकर मत कीजिए मैडम, मैं संभालूंगा। हाँ? हमने उसे एकदम पंगू बना दिया है मैडम। गाड़ी चला, आप बेफिक्र रहिए। हाँ? कैसा चलाता रे? हे, ये तो सेतु है रे। सब लोग बनाना वीडियो। हाँ। मैडम को भेजना ही है। बना वीडियो। गाड़ी स्टार्ट कर, अबे निकल जल्दी यहाँ से, निकल बे, जल्दी आ जा, जल्दी जल्दी। अरे जल्दी कर। नहीं नहीं, बहुत गलत है ये। सर गलत है ये, बहुत गलत है ये। कैसा काम कर रहा है? तुझे यहाँ का इंचार्ज बनाया, एक फैक्ट्री नहीं संभाल सकता है? ए, जाओ अपना काम करो। आज इसके टुकड़े टुकड़े कर लो।
ए मेरी मलाई बर्फी, भूख जोर से लगी है। डोसा बना रही हूँ, तुम बैठो। अरे बंद करो इससे। क्या है गैस बंद क्यों किया तुमने? हे मेरी आंखों में देखो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सॉरी सॉरी। पहले नहीं कह सकते थे? ओके बाबा सॉरी। हे माफी मांग ली ना, अब तुम्हारे पांव धो क्या? हाँ चाहती क्या हो? पैर पड़ो मेरे। हे सुनो जरा। छोड़ो मुझे। हे रूठे रूठे सैया। ओह सॉरी सॉरी, ये लो पांव छू लिया सॉरी। ए ये सब ड्रामा बंद करो ठीक है, अच्छे से पढ़ो। सॉरी देवी जी सॉरी, पति को माफ करो। पांव भी पढ़ लिया हाँ, सॉरी भी बोल दिया, कुछ तो दया दिखाओ प्लीज। गुंडी कहीं की? तुम गुंडे। हे अब क्या? क्या दिल चुराने वाली? यू आर अंडर अरेस्ट। इस पर एक बच्चे पर गोली चलाने का जुर्म है, वो सिर्फ 17 साल का है। अगर मर जाता तो इंक्वायरी बैठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो जिंदा है इसी बात का पूरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, ये सरासर अन्याय है सर। आप सही करें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसकी बात ही ना सुने। कमीशन बैठाने का फिर मतलब क्या हुआ? जो बात सब जानते हैं उसमें क्या डिस्कशन? पुलिस स्टेशन के स्टाफ से पूछने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं कह देती हूँ सर, मुझे यकीन है कि इसके गवाह झूठ बोल रहे हैं। सुनिए मैडम, आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है? आंख बंद करके आपकी राय स्वीकार नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। आपकी इच्छा तो उस कमीशन में रहिए, नहीं तो रिटर्न में एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि आप इंक्वायरी टीम की मेंबर नहीं रहना चाहती हैं, फिर शौक से जाइए समझी। प्लीज अंदर आइए, जाकर उस कांस्टेबल को बुलाकर लाओ। ओके सर। क्या ये सच है कि तुमने गन में नकली गोली की जगह असली गोली डाल दी? सच बताओ। इन्होंने मुझे धमकी दी थी, मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। आपने सुन लिया ना सर, आप अपना केस कंटिन्यू रखिए, मैं तो अपनी रिपोर्ट सबमिट करने जा रही हूँ। आपको अपना टाइम वेस्ट करना है तो कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल है, सब खैरियत है ना? जी सर। बैठिए सर। बताओ असलियत क्या है, हमें बेवकूफ समझते हो? कमीशन में झूठ क्यों बोला तुमने? सर, क्या कह रहे हैं आप? ए, हमें सच बताओ, तूने कैसे मान लिया कि तेरी बात पर हम विश्वास कर लेंगे? तुम यहाँ बताओगे या जेल में जाकर बताओगे? सर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, मैंने ही पिस्टल पर नकली बुलेट्स लगाने की कोशिश की थी, मैं आप लोगों को सच बताने वाला था, पर तभी वो हथियार ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। ऑटो। ए रुक 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 रुक। ए कौन हो तुम? अरे क्या? आपसे झूठ बोलने के बदले में उसने मेरी बेटी को छोड़ा, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ उसे। खड़े हो जाओ। क्या हुआ जी? ये बथियार क्या बला है, उसके केस की आज तक की सारी फाइलें फिर से खुलवाओ। पुलिस डिपार्टमेंट को सर्कस समझ रखा है क्या? भाई ला 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 ला। हाँ। ए, बेकार के झमेले में क्यों पड़ रहे हो? अब क्या हो गया? उस कांस्टेबल की बेटी को किडनैप क्यों किया? किडनैप मुझे लगता है बहुत बड़ा तीर मार लिया क्या? क्या है ना अपसरा बकरा, क्या गला फाड़ रहा है, क्या हुआ? यही कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन शांत रहें, मामला बहुत गर्म है, अगर कहीं कुछ हो गया तो उस कांस्टेबल की बेटी को किडनैप क्यों किया? किसने किडनैप किया? तो तुमने किडनैप नहीं किया सर,
कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? बिना मामा के हुकुम के चीटी तक नहीं मारी मैंने। हमें उसे किडनैप करने की क्या जरूरत है? हमने नहीं किया। उसे सुरक्षित घर छोड़ा? जी सर, बस थोड़ी देर ऑटो में ही घुमाते रहे उसको। ठीक है, तुम जाओ। जी ओके सर, ओके। सर क्या चाल चली सर? अगर मुर्गानंदम पहले कन्फेस कर लेता तो वो लोग उसकी हर बात का पोस्टमार्टम कर डालते, पर उसकी बेटी को किडनैप करके एक ही चाल में शह और मात दे दी सर आपने। वायतियार फंसेगा तभी हम सेफ होंगे, लेकिन वो इतनी सी बात से नहीं टूटने वाला। प्रेशर बढ़ाना होगा सर, पुलिस वाले से टक्कर लेने चला था। hey, उसे इतना भाव देने की जरूरत नहीं है, एक बार नौकरी पर बहाल हो जाने दो। मेरी बात सुनो, तुम्हें मंडे को कमीशन ऑफिस में आना होगा, कुछ बातें करनी है मुझे। दीजिए। ए सेतुपति, तुम्हारा अपॉइंटमेंट कंफर्म है, मंडे को शेव करके ऑफिस आ जाना। अब काटो, डायरेक्ट पॉइंट पर नहीं आ सकते। इस बार रहम नहीं करेंगे मामा, सस्पेंड होकर भी हमारी नाक में दम कर रखा है उसने। कल को नौकरी वापस मिल गई तो साया बन के पीछे पड़ जाएगा, उससे एक कदम आगे सोचना होगा मामा। ऐसी हालत करेंगे कि मौत भी तरसेगी उससे, नामो निशान मिटा दूंगा। तो खड़ा क्यों है? Hey, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं ऑफिसर। चल स्टार्ट कर। hey, चल चल निकल, पुलिस वाले। क्या हुआ सर? चल रहा है सर। इसे पकड़ो सर। चलो फास्ट। रुको 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 रुको। हे कहाँ गए? क्या हुआ? कुछ नहीं सर, एसिड गिरा। हाँ। इडियट, नीचे उतर। अरे नहीं सर, नीचे उतर। सुना नहीं, नीचे उतर। ए ऑटो रुक। हे आजा भाई, कोई नहीं छोड़। सर कोई दिक्कत नहीं सर, मैं ठीक हूँ। ऑटो ऑटो ऑटो, चलो बैठ इधर। सर मैं ठीक हूँ सर। सीधे हॉस्पिटल जाओ सर, अपना ख्याल रखिएगा सर। सीधे कॉल करना मुझे। हाँ बोलो। सिद्धू सिद्धू वो है। साफ साफ बोलो। वो घर है, समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो ना। वो घर की बाहर कोई, देखो डरना मत, डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, धीरज रखो, मैं आ रहा हूँ। घर की बाहर बहुत से लोग। मैं आ रहा हूँ, डरो मत। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो तुम डरोगी तो बच्चे भी डर जाएंगे। हे देखो मेरी बात सुनो, बच्चों को बेडरूम में लेके जाओ। पहुंच गई? कुछ नहीं होगा। दरवाजा लकड़ी की बंद कर दो। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हिम्मत रखना, मारन को फोन दो जरा। क्यों? हे काना उसे फोन दो। मारन। पापा। डर लग रहा है? नहीं पापा। पापा की बात सुनो। हाँ। मम्मी का ख्याल रखना। डरते नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। ठीक है पापा। मम्मी को फोन दो। हेलो मारन से क्या कहा आपने? ए अगले 10 मिनट में क्या होगा ये मैं तुम्हें बताता हूँ। डर को अपने दिल से निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं भी मम्मी, मम्मी, मम्मी। फोन लेकर ऐसी जगह जाओ जहां पर वो तुम्हें सुन न सके। गो। मम्मी, मम्मी, मम्मी। अभी आती हूँ बेटा, घबरा मत। मम्मी नहीं। हे, इधर जाओ। मम्मी,
सुनो डार्लिंग, देखो बाहर आओ, देखो मारन क्या शैतानी कर रहा है। मेरी बात ही नहीं सुनता ये लड़का, जल्दी आओ। सेतु घर पर है क्या? भाई वापस चले क्या? कैसे हो सकता है ये? जरा देखो, तुम्हारा बेटा मेरी बात ही नहीं सुनता, मैं तो परेशान हो गई हूँ। रुक 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 रुक, कर दिया भाई, चलो चलते हैं। रुक रुक रुक। हाँ भाई बोलो। अरे वो घर पे ही है। कौन? सेतुपति। और कौन? क्या बात कर रहा है? इससे मैं तो उसको वहाँ नहीं होना चाहिए। उसकी बीवी उससे बात कर रही है। ए, मुझे जो खबर मिली है वो घर पर नहीं है। कोई तो लोचा है। डर लग रहा है। अभी तक वही है? हाँ। शायद उन्हें पता चल गया कि मैं वहाँ नहीं हूँ। वो अब तक नहीं गए हैं सेतु। पक्का यहाँ नहीं है? हाँ भाई पक्का बोला, वो यहाँ पर नहीं है। कन्फर्म? एकदम कन्फर्म। कन्फर्म ना? हाँ कन्फर्म। फोन कट। हमारे साथ गेम खेल रहा है, दरवाजा तोड़। तोड़ तोड़ दरवाजा तोड़ रहे हैं सेतु। हिम्मत रखो, हिम्मत। तोड़ तोड़। अरे तोड़ दरवाजा। दरवाजा खुलने वाला है। मेरे रहते हुए तो कुछ नहीं हो सकता। अबे तुम लोग जाओ। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनके सामने मत डरना। ए रास्ता दे। आ भाई आओ। डार्लिंग सुनो ना, आओ ना, जल्दी आओ ना, बेटा बहुत शैतानी कर रहा है। हमारे साथ ड्रामा कर रही है। फोन पे किससे बात कर रही है? अरे इंस्पेक्टर, मरते हुए बीवी बच्चों की चीखें सुनना चाहता है? सुनो, मारन वापस आया। फोन का स्पीकर ऑन करो। मारन निशाना लगा और उन्हें शूट कर। अगर कोई भी आगे कदम बढ़ाता है तो उसकी खोपड़ी उड़ा दे। मेरा शेर, हाँ बोल मामा। फिर बच गया मामा। हे, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, एकदम गोबर हो। फिर छोड़ दिया उसे, बाहर हो गया तो कहीं काम से। हे, वो लड़का हॉस्पिटल में ही है ना? खत्म कर दे उसे, खत्म कर दे। मैं घर पहुंचूं इससे पहले वो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है मामा। मार डाल पिल्ले को। ना देखो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग, भागो यहाँ से, किसी और से करवा लूंगा। हॉस्पिटल पहुंचो। हे अंधा है क्या? ध्यान से चल। हे सेतु है। खाना खा लिया डार्लिंग? बच्चे सो गए? ठीक है। Bring the beat, man. अच्छा हुआ, जब शेर इधर है तो उस पिल्ले का शिकार क्यों?
भाग रहे, भाग रहे। अबे ये भी बंद है। खोल 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 खोल। अरे आ गया। अबे जल्दी कर। पहले समझाया था ना, ऐसी शक्ल बनाएगा तो मुझे हंसी आएगी। खत्म कर दे। सर आगे मत आना सर, अगर आगे आए ना तो मैं इसको मार दूंगा सर, मार दूंगा सर। हाथ क्यों कांप रहे हैं? निकल ले यहां से, कुछ नहीं करूंगा, चल जा यहां से। घबरा मत, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। डरो मत, मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो, मैं ले चल रहा हूँ तुम्हें। डॉक्टर, 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 इसे इसे जल्दी से लीजिए, इमरजेंसी केस है, जल्दी। क्या यह सच है कि कुछ अज्ञात लोगों ने तुम पर हमला किया था? क्या इंस्पेक्टर सेतुपति ने तुम पर गोली चलाई? यह सच है कि उन्होंने इंक्वायरी के लिए मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया। सब सोचते हैं कि उन्होंने गोली चलाई मुझ पर उन्होंने मुझे शूट नहीं किया। गन उनके हाथ से गिरकर फर्श पर गिरी और गोली अपने आप चल गई। हमले के समय मुझे बचाने वाले वही थे, बहुत अच्छे आदमी है वो, गलत करने वाला तो मैं था। यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिनों से न्यूज़ वाले तुम्हें दोषी मान रहे थे और आज उस लड़के ने खुद ही मान लिया कि गोली अचानक चली। इतने दिन से बीमार था इसलिए। नहीं, वो झूठ बोल रहा है, गन गिरी नहीं थी। नमस्ते भाई, जो लड़का हॉस्पिटल में एडमिट था वो। ये हम जानते हैं, आगे बोल। केस वापस सेतुपति के पास चला गया, वो गुस्से में होगा, पता नहीं क्या करेगा। अच्छा यही है कि आप सरेंडर कर दें। क्या बोल रहे? दोबारा बोलना नहीं ऐसा। हे, इसी में हमारी भलाई है। कैसी भलाई रे? हे, दो पुलिस वालों को जिंदा जला चुका हूँ, क्या बिगड़ गया मेरा? कोई भी चार्ज लगाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। भाई अगर वो अरेस्ट वारंट लेकर के आपके पास आया और अरेस्ट कर लिया तो ठीक है, लेकिन आपको अरेस्ट नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है भाई। उसका पागलपन तो आप जानते ही हैं। चलता हूँ भाई। अरे ये तो पेट्रोल है। हे, कहाँ मर गए सब? हे, हे, मथी, अरे कहाँ है तुम मथी? हे, हे, क्या कर रहा है तू?
दरवाजा खोल जल्दी। ये क्या करने वाला है तू? बोलता क्यों नहीं? मेरी बात सुन, मुझसे उलझना मत। कह देता हूँ, मुझसे उलझना मत। नहीं, ऐसा मत करना। नहीं, मर जाऊंगा। नहीं, मैं जिंदा जलता हूँ।